जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम के आसरे बीजेपी 2024 का युद्ध जीतना चाहती है। इस कड़ी में पूरे देश को राममय बनाने की तैयारियां हो रही हैं। जनवरी से 25 मार्च तक करीब 3.5 करोड़ लोगों को अयोध्या लाने की तैयारी है। हर दिन 20,000 लोगों को अयोध्या लाया जाएगा, दर्शन करवाए जाएंगे। हर लोकसभा क्षेत्र से 10,000 लोगों को रामलला के दर्शन कराने की योजना बनाई गई है और इसके लिए व्यवस्था का जिम्मा संघ और बीजेपी दोनों संभाल रहे हैं। इन तैयारियों को परखने के लिए बुधवार को अयोध्या में दिन भर मैराथन मंथन हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रदेश पदाधिकारियों के दल ने मंदिर ट्रस्ट, संघ परिवार, प्रदेश सरकार के मंत्रियों, अफसरों संग अलग अलग बैठकें की। बीजेपी के महामंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, सुनील बंसल, विनोद तावड़े मंगलवार को देर रात अयोध्या पहुँच गए थे। उनके साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी थे। पहले मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों संग बैठक में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई। उसके बाद संघ परिवार के पदाधिकारियों के साथ बैठक में व्यवस्था को लेकर बातचीत हुई। संघ की ओर से बीजेपी से करीब 10,000 कार्यकर्ता मांगे गए। इसके अलावा लोगों के ठहरने की मौजूदा व्यवस्था को और बढ़ाने की ज़रूरत बताई गई। बैठक के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि पार्टी अयोध्या आने वाले सभी लोगों के लिए सारी व्यवस्था करेगी। भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन का जो अभियान है, ये 25 तारीख से 25 जनवरी से और 25 मार्च तक चलना है। देश भर से श्रद्धालु राम भक्त आएंगे। हम उनके ट्रेन से उतरने की के बाद और ट्रेन से बैठाने तक की सब व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश करेगी। हमने उसकी पूरी कार्य योजना माननीय बीएल संतोष जी के मार्गदर्शन में उनके बनाई है और हमने अलग अलग काम का विभाजन करके पूरी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की और सबका स्वागत करेंगे और सबको भगवान श्री राम के दर पर ले जाकर उनका दर्शन। राम मंदिर निर्माण के द्वारा बीजेपी ने एक बड़े तबके को यह संदेश दिया है कि जो काम वर्षों से नहीं हो पाया उसे बीजेपी ने पूरा कर दिया। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी राम मंदिर की उपलब्धि को चुनाव में भुनाने के लिए भी तैयार है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए ये हिंदू वोट बैंक को एक साथ लाने का एक बड़ा अवसर है। विपक्ष की तरफ से जातीय जनगणना की बात पर बीजेपी को घेरने का प्रयास हुआ तो पीएम मोदी ने कहा कि उनके लिए गरीबी, महिला, किसान, युवा ही सबसे बड़ी जाति है। राम मंदिर के द्वारा बीजेपी जाति की पहचान को भुलाकर हिंदू समाज को एकजुट करने का भी प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों से लेकर अयोध्या के पंडितों तक सबको राम नाम से एक किया जा रहा है। बीजेपी को ये उम्मीद है कि तीर्थयात्रा पॉलिटिक्स उसे लोकसभा चुनावों में बड़ी जीत दिलाने में मददगार होगी। अयोध्या चलो अभियान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा पार्टी को जीत की हैट्रिक दिलाएगा। बीजेपी की रणनीति साफ है, वो विपक्ष को कन्फ्यूजन की स्थिति में रखना चाहती है। उसे उम्मीद है कि विपक्षी पार्टियां, विशेषकर कांग्रेस, उसके हिंदुत्व के एजेंडे का खुलकर विरोध नहीं कर पाएगी, ना ही उसका समर्थन करेगी। दोनों स्थिति में फायदा बीजेपी को ही होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए चुनाव आज तक।